जय श्री राम। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से झूठ कहलवा दिया। सुजान श्री शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूपी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प किया कि स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त समर्थ और भगवान है। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्हें सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु है। सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्व के शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति के सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा की परम अथाह सागर है, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देख कर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुमार की आव के समान अत्यंत जलने लगा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव वसु दशरथ अजीर बिहारी।